एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। जैसे कोई साधक है, मान लीजिए उसका साधना मन नहीं लग रहा है और उसका साधना का कमरा ऐसा है कि डिस्टर्ब रहता है, मतलब कपड़े पड़े हैं, इधर उसके बिस्तर पड़ा हुआ है, उधर कंबल पड़ा हुआ है, उधर बिस्तर पड़ा हुआ है, उधर उसी के ऊपर बैग भी पड़ा हुआ है, और वो कोने में अपना साधना कर रहा है, वहीं धूल भी जमी हुई है, 4-5-6 दिन से पोंछा भी नहीं लगा है। करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी साधना करते हैं। अब मेरी बात मान लो, ठीक है, अब मेरी बात मान, क्या करना, सारा कमरा सेट कर देना एक दिन, और ये प्रण करना कि 6 दिन में कमरा बिल्कुल डेली सेट करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा दोनों टाइम, पोछा लगाऊंगा, और पोछा भी लगाऊंगा तो नमक के पानी से लगाऊंगा, ये काम करना, और उस कमरे में कपूर उपूर का थोड़ा सा धुआं कर दूंगा हल्का सा, ऐसा 6 दिन कर लेना, और अपनी चेहरे की हाव भाव दशा, अपनी एनर्जी, अपना मेंटल स्टेट, पूजा करते समय की भाव दशा, मनोदशा, वो दोनों में अंतर दिख जाएगा, इसी में दिख जाएगा। लोग तांबे के बर्तन यूज करते हैं, पीतल के यूज करते हैं, धोते नहीं, महीनों दो दो छह छह महीने धोते नहीं, उसी पर ही वो परत जमती चली जाती, काला होता चला जाता है। अब कोई सामने मूर्ति बैठी हुई थोड़ा ना ले ले रही है वहां से प्रसाद, वो जा तो तुम्ही को रहा है ना, और जितना गंदा होता जा रहा है उतना तुम्ही को ही मिलता चला जा रहा है, उतने तुम और गंदे होते चले जा रहे हो। अच्छा, गंदे का क्या मतलब है? गंदा मतलब मलिन, वो उसको शनि से जोड़ के देख लिया जाता है, मतलब वैरागी। वैराग वैसे तो बहुत उच्च कोटि की परिभाषा अलग है, लेकिन ये वैराग की ही क्षेत्र आ जाते हैं कि आप मलिन रह रहे हैं, आपको होश ही नहीं कि आप मलिन हैं, आप गंदे हैं, दो दो छह छह दिन आप नहा ही नहीं रहे, पता ही नहीं चल रहा है। आप साधना में बैठ रहे हैं तो हाँ जुड़ गए हैं साधना मार्ग में, तो साधना भी करनी है, जाप भी करना है, तो आसन ही नहीं, आसन फटा हुआ है, आसन के नीचे छेद हो रखे हैं, वो पैर आसन पे रखा हुआ है कि जमीन पे रखा हुआ है ये भी नहीं पता है, वहां पूजा का स्थान धूल मिट्टी पड़ी हुई है वही नहीं साफ हो रही है, एक ही जगह पे एक ही बर्तन पे बार 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 वो धूप जल रही है और इकट्ठा हो रखी है,